तो भैया, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी, और इसमें हम लोगों ने कहाँ तक का लिया था? लास्ट मेटल कौन सा किया था? आखिरी धातु लेड की थी, और लेड से हमने आखिरी क्या बनाया था? फ्यूज वायर बनाया था। फ्यूज वायर का काम क्या था? हमारे घरों में फ्यूज लगे होते हैं बोर्ड में, देखा होगा छोटा सा फ्यूज लगता है, उस फ्यूज का काम क्या होता है? अगर बिजली का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाए, करंट बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? पूरे घर सब कुछ जल जाएगा। लेकिन उसको जलने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूज वायर लगाते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही उसमें ज्यादा बिजली आती है, गर्म होके टूट जाता है और बिजली का फ्लो रुक जाएगा और हमारी सारी चीजें बच जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने आगे कंप्लीट कर दिया था। और कहां यूज हुआ था लेड का? प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था ना, स्याही के रूप में। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? एजी। एजी क्या है? सिल्वर यानी शामिल। और ये क्या है? सबसे उत्तम बिजली विद्युत का सुचालक है। इससे अच्छा विद्युत का सुचालक कोई भी नहीं होता है। क्या लिखोगे? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अब इसके बाद कौन कौन से आते हैं? सिल्वर के बाद अच्छा सुचालक कौन है? गोल्ड, फिर कॉपर, प्लेटिनम नहीं। कॉपर तो पहले आया है, एजी से पहले नहीं आएगा। सबसे अच्छा सिल्वर ही है। ठीक है, अब ये देखो, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है चांदी? अगर आवर्त सारणी में देखा जाए, किस ब्लॉक में आता है? एस पी डी एफ पढ़े है ना, तो ये किस ब्लॉक में? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है। अब तुमने क्या सुना है, जब चांदी क्या होती है? अक्सर चांदी काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वातावरण में प्रदूषण है, और उस प्रदूषण में क्या है? सल्फर। और जैसे ही चांदी सल्फर से रिएक्ट करती है, क्रिया करती है, तो क्या आती है? AgS, सिल्वर सल्फाइड। और इसकी वजह से क्या होता है? चांदी का रंग काला हो जाता है। ठीक है, अक्सर मम्मी लोग देखो काली हो गया, उसको साफ करवाना है सुनार के पास, वापिस चली जाती है। हाँ ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो क्या है, इससे सिक्के बन सकते हैं, सिक्के बन सकते हैं ना, सिक्के बन सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? क्वाइन मेटल भी कहा जाता है, यानी सिक्का धातु भी कहा जाता है। और किसे सिक्के बन सकते हैं? कॉपर के बन सकते हैं, सोने के बन सकते हैं, आयरन के बन सकते हैं, कांसे के भी बने हैं सिक्के। तो क्या है, ये सब सिक्का धातु है कहने को कह सकते हो, अगर फूट ये जाए इनमें बन सकता है ना। अब तुमसे कहते हैं मर्करी का तो सिक्का बना सकते हो, पारे का सिक्का बन सकता है? नहीं बनेगा, क्यों? वो लिक्विड स्टेट पे है। सोडियम का बना सकते हो, पोटेशियम का, गैलियम का, इनमें से किसी का भी नहीं बन सकता। ये क्या है? मुलायम धातु है भाई। सोडियम और पोटेशियम क्या है? बिल्कुल सॉफ्ट है, ये तो चाकू से कट जाती है। फिर बात करें गैलियम की, तो गैलियम क्या है? जैसे ही उसका टेम्परेचर कमरे के तापमान से ज्यादा हो जाए, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वो पिघलने लगती है। और पारा उसमें ही हमेशा किस अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में रहता है। फिर इसके तत्वों की उसकी बात करते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक, चांदी के यौगिक यानी कंपाउंड। तो तुमने एक नाम सुना होगा एजी आई, इसका नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का काम कहां होता है? कृत्रिम वर्षा सुना है? कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड इसका प्रयोग कहां जाता है? क्या होता है? कृत्रिम वर्षा में। ठीक है, और कैसे कराई जाती है? अगर तुमसे ये पूछ ले कि भैया कैसे कराई जाती है, तो एजीआई तो रहना ही है,
प्लस NaCl प्लस ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो है, जब सॉलिड यानी ठोस CO2 होता है वो क्या है? ड्राई आइस होती है, याद रखना। तो जब ये सब मिलते हैं तो क्या होता है? आर्टिफिशियल वर्षा हो जाती है। जब कहीं कहीं वर्षा ना हो रही हो तो क्या किया जाता है? बादल इकट्ठे करवाते हैं लोग, जहाज वहाज में इसकी बढ़िया पूरी तैयारी कराएंगे, एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें फैलाई जाएंगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? कृत्रिम वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा किसके थ्रू होती है? एजी आई के थ्रू। फिर इसके बाद आगे बात की जाए तो इसमें हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी के यौगिकों में एक यौगिक हम कौन सा पढ़ते हैं? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? याद आया हो शायद कुछ, फोटोग्राफी सुना? फोटोग्राफी, जब रोल वाले फोटोग्राफी खींचती थी, जब जिस समय कैमरे में क्या पड़ता था? रोल पड़ता था, एक रील डाली जाती थी। अब उस रोल से क्या हमें नेगेटिव मिलते थे, नेगेटिव मिलने के बाद उनको क्या करते थे? धुलाई करवाने के लिए भेजते थे, कहते धुलने गई है फोटो। तो धुलने के लिए क्या वो AgBr के थ्रू क्या होता था? पेपर पे प्रिंट होती थी, तब वो प्रिंट बन पाती थी। इसका प्रयोग कहाँ होगा? फोटोग्राफी में होगा। तुम ये याद रखो, कहाँ होगा? फोटोग्राफी। या हमने इसका एक और बताया था फोटोग्राफी में, किसका नाम इसे पहले पढ़ाया था? सोडियम थायोसल्फेट। नहीं याद है? क्या याद होता है तुम लोगों को? मार पूछा गिरा देंगे, ठीक है? तो क्या फोटोग्राफी में चलता है? अगला प्रॉब्लम क्या? AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट तो सभी बता देंगे, असली काम क्या है इसका? अभी वोट डालने कितने लोग गए अभी तक? वोट डालने गए हो कभी? अभी एज नहीं हुई है, जब एज पूरी हो जाएगी तो जाओगे तुम वोट डालने। या मम्मी पापा जाते हैं, उसके बाद क्या लगाई जाती है? इंक जो लगाई जाती है वो क्या होती है? AgNO3 होती है, इसे छूटती नहीं जल्दी है। और इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है ल्यूनार कास्टिक। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूनार कास्टिक, इसी का नाम होता है AgNO3 का। या इसी को बोलते हैं क्या? वोटर्स इंक, या हिंदी में बोलेंगे अमित स्याही। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अगला है इसी में AgCl। AgCl ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है थॉर्न सिल्वर। क्या कहा जाता है? थॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहां होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या होते हैं? याद है? पता है? इसको पता करके आओ, हमें बताओ, हमें समझाओ, हमें नहीं समझ में आता फोटोक्रोमेटिक, ठीक है? अब फिर नहीं समझा पाओ तो हम समझा देंगे। फोटोक्रोमेटिक ग्लास, और किसी को मिल जाए फोटोक्रोमेटिक ग्लास तो लिया है। पक्का नहीं मिलेगा? पक्का नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या मूर्ति होती है?
इसके बाद भैया अगला धातु लिखो गोल्ड यानी औरम। अब इसके दो अयस्क होते हैं, याद रखना अयस्क पता है ना, जिसमें ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं, अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं उसके साथ। कौन कौन से दो दो है? एक है कैल्विनाइट, एक है सेल्विनाइट। कैल्विनाइट और सेल्विनाइट दो सोने के दो अयस्क हैं। अब इसके वो यौगिक देखो, AuCl3 AuCl3 क्या हो जाएगा? और एक क्लोराइड हो जाएगा। और एक क्लोराइड इसका प्रयोग कहां होता है? सांप काटने का, सांप काटने के बाद तुमको अस्पताल में जाओगे तो इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है? जहर होता है। वेनम जहर होता है। अब उस जहर को काटने के लिए क्या एंटी वेनम मिल जाएगा? जैसे तुम्हारी किसी लड़ाई हो रही है तो क्या है? हमारी उससे एंटी है, सुना ना, वो एंटी नहीं एंटी होता है। तो एंटी वेनम मतलब जहर को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यूज एज एंटी वेनम। अब जहर जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? जहर जब भी हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे रक्त में थक्का जमने लगता है। जब ब्लड का क्लॉट हो जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा, परिसंचरण पूरा रुकने लगेगा रक्त का, और रक्त का परिसंचरण रुका तो रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन भी है भाई, ऑक्सीजन लेके आ रहा था ना, वो शुद्ध गैस लेके आ रहा था, रुक जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो निपट जाएंगे हम लोग, फिर मिले तो बाहर गाट कर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, तुम कभी सुने होगे कि आए थे उन लोग कहते अपने ज्वेलरी जो है सफाई करवा लो, सोना चांदी साफ करवा लो, और जब वो साफ करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे से साफ कर देते हैं, हाँ, उसका वजन कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लिए होते हैं अपने साथ एक्वा रीजिया, इसको दूसरे नाम में हिंदी में कहा जाता है अम्ल राज, अम्ल राज। ये कितने यूज होता है? ये यूज होता है आपकी ज्वेलरी की धुलाई के लिए। लेकिन धुलाई इससे कैसे, वो लोग इतनी रगड़ रहते थे सोना क्या रहता है इसी में आ जाता है, और फिर वो घर जाके अपनी पूरी विधि उनको पता होती है, उसको वापस निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपसे पूछ लिया जाए HF, इसका फॉर्मूला क्या है? तो HCl और प्लस HNO3, और इनका अनुपात पूछा गया है पेपर में, एक्वा रीजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है? तो दैट इज 3:1। कोई दिक्कत नहीं आता। ये आपका भैया गोल्ड कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ो, अगला धातु लिखो कॉपर। कॉपर, अगर इसकी आयस की बात करें तो इसका आयस क्या होता है? CuFeS2। अगर सिर्फ आप FeS2 होता तो क्या हो जाता है? ये अगर ये हटा दें कॉपर, अब क्या है? ये सही से बताओ, FeS2।
ये तुम ही लोगों का सोना है, मूर्खों का सोना। तुम लोग के लिए ये चीज सोना है, याद नहीं रखते हो तुम लोग, ठीक है। इसमें जब कॉपर लग जाता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्राइड या कॉपर पाइराइड, याद आया। ये इसका अयस्क है, लिखा होगा लोहे में भैया, ऐसी बातें कर रहे हो, भूल गए हो। Fe2 लिखा है, मूर्खों का सोना जिसे बोलते हैं। इसी में जब कॉपर लग जाए तो क्या बन जाता है, क्यूप्राइड, या इसी को दूसरे नाम कॉपर पाइराइड बोलते हैं। ये क्या है, कॉपर का अयस्क है। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। अब जब ये क्या हो, अब देखो कॉपर अगर Am के साथ क्रिया करे तो क्या बनाएगा बताओ, CuO। अगर हम यहां पर लिखें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनाएगा भैया CuCO3। भाई एयर में CO2 भी तो है हमारे यहाँ, देखा बनाता है कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जब तांबे के ऊपर ऑक्सीजन से इसने क्रिया, कभी हवा से रिएक्ट करता है, तांबे को देखा तुमने, तांबा रखा रहा है बहुत दिन, तो उसके ऊपर कैसा रंग बन जाता है, धीरे धीरे हरा रंग हो जाता है। ये यही होता है, हवा से क्रिया करने के बाद तांबे का रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये कॉपर के साथ वायु कैसी हो, आर्द्र वायु हो, यानी ह्यूमिड एयर हो, कोई दिक्कत आता है, तो क्या बनेगा। जब ये आर्द्र वायु हो तब आपके तांबे के ऊपर जो रंग आएगा वो नीला होगा। तो क्या यहां पे तांबे का रंग कैसा हो जाएगा, हरा होता है, यहां पे तांबे का रंग नीला होता है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अभी देखो आर्द्र वायु के साथ क्रिया किया इसमें तो क्या बनाएगा, CuCO3+CuOH का होल पर, ये चीजें बनेगी दोनों। भाई दोनों से क्रिया करता है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, अब तो आग के एकदम सीधे सीधे H2O आ गया होगा, आया होगी नहीं आया होगा, सुनो हमने कहा Cu+R वायु। अब कहीं भी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी है तब तक वहां क्या होगा, पानी होगा ना। अब पानी है तो पानी के साथ जब एक बार से रिएक्शन होगी पानी की, एक बार कार्बन से रिएक्शन करती है CO2 से, तो जब CO2 से रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट, और जब H2O से किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा। तो दिक्कत अभी कोई समझ में आ गया ना, और इसका रंग क्या है, नीले रंग का बता रहे, ठीक बता रहे मतलब। अब देखो कॉपर की अवस्था, भाई तुमको हमने आयरन की अवस्थाएं बताई थी, कितनी थी, कितनी वैलेंसी से अलग अलग शो की थी, कितनी से इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था, अलग अलग दिखा रहा था कुछ, +2+3+4+6, नाम क्या कहते हैं इनके, +2 का नाम, +3 का, +4 का परफेरेट, और +6 का सिर्फ करेट, ये बता रहे हैं इतने क्या थी, अलग अलग इनकी संयोजक का ये हो गया था कंप्लीट। अब इसके बाद ऐसे ही जो कॉपर होता है, कॉपर की भी अपनी अलग अलग संयोजकता है, एक कभी दिखाएगा +1, कभी दिखाएगा +2। जब +1 दिखाएगा तो इसको बोलते हैं Q+, और जब +2 दिखाएगा तो Q+। कोई दिक्कत क्या था, +1 तो Q+, +2 तो Q+, कोई दिक्कत यहां नहीं। अब देखो यही CuSO4
भाई अब क्या है, एक बार तो क्या है सी यू प्लस वन दिखा रहा है, अगर इस पर सी यू का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा सी यू टू ओ बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है दो, और इसलिए कितनी दिखा रहा है प्लस वन, तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी आपस में एक दूसरे, दो इलेक्ट्रॉन बांट रहे होंगे, तो क्या हुआ इसके पास एक है एक बार दो लगाने पड़ेंगे, समझ आ रही ना भाई, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा कोई दिक्कत। लेकिन यहीं पे क्या हो, हम कहते हैं इसकी वैलेंसी क्या है प्लस टू है, तो क्या बनेगा सी यू एसओ फोर, एसओ फोर की वैलेंसी कितनी होती है माइनस दो होती है, माइनस दो होती है एसओ फोर की, कोई नहीं आराम से परेशान हो बता रहे हैं याद हो जाए नहीं तो इसका इसका जो मुख्य मकसद हम लोग बताते हैं कि सी यू एसओ फोर का कॉपर का सल्फेट एसओ फोर कनेक्शन क्या होती है माइनस टू होती है, कॉपर की प्लस टू होगी, ठीक है क्योंकि क्रिएशन सल्फेट आयन से कराएंगे, सल्फेट आयन भी बोलते हैं इसको प्लस 5.5H2O, तुम्हें याद रखना ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि इसी को बोला जाता है ब्लू विट्रियोल यानी नीला रोका, ये याद करना तुमको CuSO4.5H2O, इसको क्या कहा जाता है नीला रोका, याद रखना ब्लू विट्रियोल, याद रखो कोई समस्या आराम से नोट करो ठीक। अब अच्छा इसका यूज कैसे होता है, कवक है कि कवक प्रजाति कहीं गई फंगस, फंगस जहां लग जाए या इंसेक्ट यानी कीड़े लग जाए, तो भैया हम लोग क्या बता रहे थे इनका प्रयोग कैसे होता है एस फंगिसाइड यानी कवक नाशक और इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, इन दोनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर मनुष्य के शरीर में कॉपर ज्यादा हो जाए, बताता ना कभी कभी भाई हम मिनरल्स खाते हैं, हर मिनरल की अधिकता हमारे शरीर में हो सकती है, अब मनुष्य के शरीर में अगर कॉपर अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है बताओ, लोगों ने बायो पढ़ा है विल्सन रोग, विल्सन कौन सा रोग, विल्सन डिजीज, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। अब इस विल्सन रोग में होता क्या है, विल्सन रोग में हमारा लीवर प्रभावित हो जाता है, लीवर जानते हो यकृत, यकृत प्रभावित होता है और हमारा लीवर प्रभावित होने के बाद क्या हो जाएगा भाई आपका प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्यों लीवर से क्या निकलता था बाइल जूस यानी पित्तरस निकलता है, और पित्तरस का काम क्या है पाचनीकरण प्रक्रिया द्वारा वसा को पचाना, पचाने में हेल्प करता है, जो वसा का पाचन होता है जो पित्तरस से होता है वो, ठीक है ये कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉपर की एलॉय यानी मिश्र धातु, ठीक है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉपर की एलॉय यानी कॉपर की मिश्र धातु, एक मिश्र धातु हमने साथ बताएंगे जब हम आपको एल्यूमिनियम पढ़ा रहे थे, एल्यूमिनियम पढ़ा था वो आपने क्या पढ़ा था गोल्ड, गोल्ड बताया था कॉपर की मिश्र, इसमें क्या बताया था रोल्ड गोल्ड, क्या था इसमें एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, फिर इसके बाद अगर हम लोग पढ़े ब्रास, ब्रास का नाम सुना है, ब्रास में क्या क्या होता है कॉपर प्लस जिंक, यहां पे कॉपर 70 होगा जिंक 30 होगा,
अब देखो ऐसे ही एक मेटल और है जिसका नाम है डच मेटल, उसमें भी क्या, उसमें भी कॉपर होता है और जिंक होता है, बस यहां पर क्या होगा, यहां पे कॉपर 80 होगा, जिंक 20 होगा, है डच मेटल ये ब्रास किंतल होता है, किंतल कांसा ब्रॉन्ज होता है, सुनते नहीं ब्रॉन्ज मेडल मिला हमको कांस्य पदक, ये तो समझ में आ गए। अब इसके बाद देखो हमारे पास आया कौन, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसे का क्या बनता है, बर्तन बनते हैं, फिर शादियां होती हैं, शादियों क्या होता है, वैसे तो चांदी की बिछिया पहनाई जाती है, बिछिया पहले लेकिन जब असली शादी के टाइम कौन सी पहनाई जाती है, सिर्फ कांसे की पहनाई जाती है, तो ब्रॉन्ज की होती है। अब देखो ये क्या हमारे इतिहास में भी धातुओं का प्रयोग हुआ है, इतिहास में प्रयोग होने वाली धातुएं कौन कौन सी थी भाई, सबसे पहले हमने किस धातु का प्रयोग किया इतिहास में, कॉपर का, कॉपर का प्रयोग किया, फिर कैसा गोल्ड का किया, सिल्वर का किया, और किसका किया था, टिन का, टिन हम बाहर से ला देते, और जब हमें कॉपर मिल गया और टिन मिल गई, कॉपर मिल गया और टिन मिल गई, हमें क्या मिल जाएगा, टिन मिल जाएगा, ब्रॉन्ज मिल जाएगा, यानी नाशा मिल जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे कॉपर होता है 88%, टिन होती है 12%। देखो परसेंटेज याद करने का ज्यादा प्रयास मत करना, ये जल्दी पूछता नहीं है, शायद ही कभी पूछ ले एक आधे में, वरना जल्दी, लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए, हाँ। तो पहले क्या तुमसे ये दिए हो परसेंट भी दे दे और ये चीजें अलग अलग लिखी हो, तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दो दोस्तों, बात कर सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूरी नहीं तो परसेंटेज याद करो, तुमको बता देते हैं जिससे तुम्हें आसानी लगे थोड़ी सी, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं जर्मन सिल्वर, क्या नाम रहा, जर्मन सिल्वर, अब जर्मन सिल्वर ऐसी सिल्वर है जिसमें सिल्वर होती नहीं है, हाँ इसमें क्या होगा, कॉपर जिंक प्लस निकल, अब इसमें परसेंटेज भी नहीं याद करना है ना लिखना है, क्योंकि तुम लिख लोगे तो फिर परेशान होगे याद करने के लिए, प्लस कभी कभी इसमें 1% कार्बन भी मिलता है, कभी कभी, लेकिन आप बेसिकली कॉपर जिंक और निकल याद करेंगे और इसमें सिल्वर नहीं होता है। जैसे तुमको जर्मन सिल्वर का फॉर्मूला दे, अगर उसमें कहीं से भी चांदी का सिल्वर दिखाई दे जाए तुरंत बात करो उसको उठा फेंको, किसी काम का नहीं हुआ आपके लिए, ठीक। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, गन मेटल, ठीक, गन मेटल कॉपर टिन और जिंक, कॉपर टिन और जिंक, और गन पाउडर में क्या था, गन पाउडर में क्या था, KNO3 सल्फर प्लस चारकोल, याद आया, ये तो लिखा है, देखना ना तुम पलट के लिखा होगा, मान लो विश्वास ना हो मेरे ऊपर, तुम्हें डाउट हो मेरे ऊपर, तो कॉपी में उसको देखो लिखा होगा, KNO3 चारकोल और सल्फर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, गन पाउडर, बारूद, आग लगा दो सब जगह, KNO3 का नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, कॉपर, ठीक भैया, तो अगले ही धातु लिखो जिंक,
स्टार, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? लीस। कॉपर के पास जिंक आता है, याद है ना, कॉपर का 29 होता है। अब जिंक की बात करें तो जिंक आपको अपनी बॉडी में कहां कहां मिलता है? ब्लड में। मजा नहीं आया, और कुछ बताओ? आपकी बॉडी में पानी जैसा क्या क्या है? वाटर लाइक। अरे नहीं, पानी जैसा और क्या क्या निकलता है आपकी बॉडी से? पसीना निकलता है, लार बनती है, लार सलाइवा। इंसुलिन आपकी बॉडी में बनता है, इन सब में भैया जिंक होता है। ठीक है, आपके जो आंसू हैं, आंसू में भी क्या होता है? जिंक होता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, आपको आंसू में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है, लार में कौन सा पाया जाता है, और इंसुलिन का भी बहुत पूछा जाता है, किसकी कौन सा जो धातु है या खनिज है जो इंसुलिन को बनने में सहायक होता है? तो जिंक। तो कहां कहां मिलेगा आएगी? आपके टीयर्स यानी आपके आंसू। आपको ये अपना छोड़ चला जाए तो आप बोल रहे हैं उनका जिंक निकल रहा है, ठीक है। फिर सलाइवा, अगर कोई बढ़िया चीज दिख जाए मान लो रस मलाई मिल जाए, एक बार मन मचल गया तो लाल बनेगी, वहां भी है। बाकी आपको तो देख ही रहा तुम। ये सब चीजें क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर ये बनना कम हो जाता है तो आपकी को क्या होता है? मनुष्य के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। जिससे क्या हो जाती है? हमें मधुमेह का रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाती है। फिर डॉक्टर क्या कहता है? आलू ना खाओ, शक्कर ना खाओ, कुछ भी मीठा। तो कब होता है? जब ये इंसुलिन बनना हमारे शरीर में कम हो जाता है। ये इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियास में, ठीक है, अग्नाशय होते हैं। अब देखो जिंक के अयस्क, अयस्कों की बात करें तो सबसे पहले पढ़ोगे ZnO, या इसी का बोलते हैं जिंकाइड। जिंकाइड बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है फ्लावर ऑफ जिंक, जिंक का फूल। जस्ता का फूल लिख के आ जाए तो क्या होगा? अब इसके बाद आपको क्या मिल जाए? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट है, लेकिन इसको जिंक कार्बोनेट ना कहके हम बोलते हैं कैलामाइन। हाँ, तो जिंक कार्बोनेट लिख लो अपने साथ में, लिखो तुम्हें याद रहना चाहिए जिंक कार्बोनेट। ये क्या है? ये भी एक जस्ते का अयस्क है। फिर इसके बाद आता है जिंक सल्फेट, ZnS। ये भी क्या है? जस्ते का एक अयस्क। तो आपको ये तीन अयस्क याद करने हैं, कोई दिक्कत याद है? नोट कर लो। तो यहां पर क्या देगा? जिंक के तीन अयस्क है, जिंकाइड, कैलामाइन और जिंक सल्फेट। अब देखो भैया, कभी कभी तुम लोग पिक्चर देखते हो, कभी ना कभी तो देखी होगी, उसमें वो देखते हो कभी कभी क्या होता है, एक्टर खड़े होते हैं सारे और नीचे धुआं दिखाई देता है, वहां पे भी जिंक का प्रयोग होता है। जो धूम्रपट बनता है, स्मोक सीन जो बनता है, वहां पे भी जिंक का प्रयोग होता है।
और भी हो रहा होगा तो आगे बताएंगे उसको, ठीक है? अकेले स्ट्रिंग से नहीं बनता है वो, और भी चीजें हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाओ फाइनल उसको बताएंगे पूरा कंप्लीट करके। तो अभी फिलहाल देखो, ऑल्सो यूज इन स्मोक सीन, धूम्रपट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाय बाय।